वंशिका जी, ये देखो बाऊजी जैसे माया के लिए हाँ करेंगे ना तो हम शगुन के तौर पर ये हार देंगे माया को। कैसा है? बहुत खूबसूरत है दीदी। पूरा घर दादाजी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है दादाजी परसों बाद अब्रॉड से आए। क्यों भाई, किसे मैसेज कर रहा है? माया? नहीं, मानवी। ओ क्या है ना, मैं घर के फंक्शंस के बारे में उसको मैसेज कर रहा था, लाइक जस्ट लाइक दैट। अच्छा सुन, तुझसे कुछ काम था। मुझसे? चल 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 अभी चल चल चल। माया। हाय मॉम। हाय भाभी। बहुत प्यारी लग रही हो माया। थैंक यू सो मच। आई होप मुझे आने में देर तो नहीं हुई हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई। बैठो बैठो जी। सारी तैयारियां हो गई क्या? तैयारियां तो होनी ही थी ना, तुम जो आ रही हो। भाभी अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। हाँ माया, एक्चुअली जीविका तुम हॉल के अरेंजमेंट्स देखो, मैं किचन देख के आती हूँ। हाँ माँ। वैसे भाभी ये विराट है कहाँ? आपको पता है मैंने उसको रात में कितना फोन किया, लेट नाइट, लेकिन उसका फोन एंगेज जा रहा था। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि उसने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया। आई एम श्योर अब तक सो ही रहा होगा। नहीं नहीं मैं, विराट तो उठ गया, सुबह से घर के कामों में लगा है। फिर तो विराट की क्लास लेनी पड़ेगी। ग्यारह बज गए, अभी तक सो रही हूँ, किसी ने उठाया भी नहीं मुझे। आप लोग मानवी के साथ पहले की तरह पेश क्यों नहीं आ रहे? गीतू 24 घंटे तो रसोई में घुसी रहती है, अरे मानवी को कुछ ना कुछ तो करने दिया करना। चाची गए कहाँ सब लोग? और डबू बेटा तू इतना शांत क्यों हो गया है? पहले की तरह मानवी के साथ उधम क्यों नहीं मचा रहा है? ऐसा मत कर बेटा, मानवी को किसी न किसी बात में उलझाया कर जैसे पहले किया करता था। बस दौड़ धूप मत करने दिया कर उसे। बीजी अरे यार यहाँ पे भी कोई नहीं, सब कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? और बीजी आप कहाँ गई आप दोनों के बीच में तू-तू मैं-मैं? मैं तो संभाल लूंगी, तू इन दोनों को समझा। इतना प्यार जताने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप लोग उसे ज्यादा हमदर्दी दिखाएंगे ना तो उसे एक आध दिन में पता चल जाएगा। कौन क्या बता देगा बीजी? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं बताइए ना। आप लोग मेरे आते ऐसे सब लोग चुप क्यों हो गए? प्लानिंग कर रहे थे। अरे मानवी तू भी ना, हर चीज तुझे जाननी है। अरे हम तो ये सोचे थे कि तेरा जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे, तू भी ना आके सब कुछ बिगाड़ दिया। बर्थडे? मानवी दी सुनो ना, आपका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे, आपको सरप्राइज देना चाहते थे हम सब लोग। बड़ा सा सरप्राइज? अब तू बता, सरप्राइज किसी को बताया जाता है क्या?
क्यों? मेरे बर्थडे को तो अभी बहुत टाइम है, तो अभी से क्यों? इसलिए बेटा, क्योंकि हम कुछ खास करने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा लास्ट बर्थडे है इसलिए। पीजी, मेरा मतलब है अगले साल तो शादी करके बीजी मुझे दूसरे घर भेज देगी, तो ऑब्वियसली मेरा लास्ट बर्थडे हुआ ना। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से अब नहीं पूछूंगी कि आप मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे सेलिब्रेट करना जो जो मुझे हमेशा याद रहे, मेरा बेस्ट बर्थडे हो। हैप्पी बर्थडे मानवी इन एडवांस। और बीजी, नेक्स्ट बर्थडे पे ना थोड़ा कम खर्चा कराऊंगी, लेकिन इस बार जी खोल के खर्चा कर दीजिए। पूरे ऋषिकेश को इनवाइट करूंगी मैं, अच्छे से धूमधाम से मेरा बर्थडे मनाएंगे। यस। ठीक है बीजी, मैं जाती हूँ। विराट, कितने सारे मैसेजेस, फोन को पानी की टंकी में डाल दिया है क्या? हेलो, मैं यहां, तुम कहां? रिप्लाई कर मानवी की बच्ची, मानवी की बच्ची, अभी कर। अभी तक मानवी ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया है? आ गया। पार्टनर, इस बात के लिए शुक्रिया कि आज भी तुमने इस नाचीज को याद किया, पर फिलहाल वहां है कोई मुझसे भी ज्यादा खास, तो जाओ उसके पास और करो टाइम पास। तो फाइनली उसका रिप्लाई आ गया। हाँ भाई। अच्छा ये बताओ, ये छोड़ो, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सुन यार, एक्चुअली ये कुछ फाइल्स पड़ी हैं, प्लीज यार इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना। एक्सक्यूज मी ब्रदर, आई डोंट लाइक जोक्स, ओके? कर देना यार। ओके, जस्ट फॉर यू, ओके? अच्छा विराट, मुझे तुझसे उस लड़की के बारे में कुछ पूछना था यार। किसके बारे में? मानवी के बारे में? माया भाई, आजकल तुम्हारी जुबान पर सिर्फ मानवी का नाम होता है, मैं तुझसे माया की बात कर रहा हूं, जिस लड़की से तू शादी करने वाला है। अब क्या बताऊं माया के बारे में आपको? कुछ भी नहीं, मतलब तुझे माया में क्या अच्छा लगता है, माया की कौन सी बात तुझे अच्छी लगती है, तू उससे क्यों प्यार करता है? I don't know, बस ये जानना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई के मन में क्या। माया, माया बड़े साफ दिल की लड़की है, सबके साथ बड़े प्यार से रहती है। What the hell are you doing? क्या कर रहे हो तुम ये? वहां जाके सफाई करो, गो। वो अपनी खुशी से पहले दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखती है। हाय भाभी, आई एम श्लोक। हाय श्लोक, डोंट कॉल मी भाभी, ओके? और हाथ मिलाने से पहले अपना हाथ तो देखो कितना गंदा है, जाओ धो के आओ, गो रन। वो मुझे हंसाती है, जिन्हें वो चाहती हमेशा उनकी पहले फिक्र करती है कि वो खुश हैं या नहीं। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है भाई। कहाँ हो यार विराट, कब से तुम्हारे घर में मैं अकेली वेट कर रही हूं, तुम पता नहीं कहां मस्ती कर रहे हो। गुड यार,
और कुछ? वो मेरे दिल की बात बिना मेरे कुछ कहे समझ जाती है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। She knows me in and out. In, out, everywhere. Hi Virat. Oh. Hi. Hi Maya. तुम यहाँ कैसे? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। Surprise. It's an office bag. Office bag? मेरे लिए? हाँ। देखो, अब हमारी शादी होने वाली है, तुम पे जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, इसलिए अब तुम भी वीरेन भैया की तरह ऑफिस जा सकते हो। नाइस नो? विराट, तू सही कह रहा था यार। माया वाकई तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है यार, वाकई तेरे दिल का हाल समझ लेती है वो। माया रियली यार कमाल का सरप्राइज है, मतलब मैं खुद थोड़ा सरप्राइज हो गया हूँ। थैंक यू। बढ़िया है, बातें करो तुम दोनों। मैं क्या, नाइस गिफ्ट मैं। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है। यू नो, देर रात तक किसी के साथ फोन पे बात करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम अब अपने फैमिली बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करो। परफेक्ट। अगर मेरे लिए परफेक्ट है तो दादाजी के लिए भी परफेक्ट है। वेरी गुड। क्या प्लीज बाहर रख देंगे? ओके। और ये अरे वाह, क्या हो रहा है किचन में? कुछ नहीं, बस दादाजी को पटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है दादाजी को अच्छा अच्छा खाना खिलाने की तैयारी चल रही है। वो क्या है ना, आज दादाजी का मूड अच्छा रहना बहुत जरूरी है। माया को ओके स्टैम्प जो मिलना है। क्या तुम्हें भी लगता है कि माया विराट के लिए और इस घर के लिए ठीक है? वीरेन भैया, क्यों नहीं, माया इतनी अच्छी लड़की है और ब्यूटीफुल भी है। तुझसे नहीं बात कर, सही बोला। सुनो देखो मैं क्या कहना चाहूँ। वीरेन भैया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ सबको अपने ओपिनियन देने का हक है। सही बात है। मैं एक्चुअली श्लोक, अबे तू यहाँ किचन में लड़कियों की तरह क्या खड़ा है? जा कुछ लड़कों वाले काम करके जा। सुनो मुझे तुमसे कुछ काम था, ये कहना। वीरेन भैया आप भी तो लड़के ही हो, फिर आप किचन में क्या कर रहे हो? मैं वो। हाँ हाँ वीरेन जी, आप भी तो लड़के हो ना, आप किचन में क्या कर रहे हो? श्लोक को तो यहाँ मैंने बुलाया है। वो मैं पानी पानी पीने आया था। मैं पानी हाँ तो ठीक है ना, वो हो जाता कभी भी, गलती से मुझे लगा कि बॉटल्स पड़ी यहाँ पे। अरे श्लोक, तूने होमवर्क किया अपना? नहीं किया होगा ना होमवर्क? होमवर्क कर क्या, जा जा जा। अरे अरे श्लोक, होमवर्क तो तुम माया के जाने के बाद भी कर सकते हो। हाँ, और आधा होमवर्क तो मैंने स्कूल में ही कर लिया था और आधा शाम को कर लूंगा। क्या कर रहा तू, मेरी बीवी हो, दुश्मन हो, बात करने समझो ना यार। बेटा श्लोक सुन, मुझे 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 अभी याद आया, चाची चाची तेरी मम्मी तुझे ढूंढ रही है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन में तेरी सजेशन चाहिए। मम्मी ढूंढ रही है मतलब जरूर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा, मैं अभी आता हूँ। ज्यादा वेरी गुड, जा 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 जा। श्लोक श्लोक, पता है मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मानवी और तुम में मानवी ज्यादा शैतान है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। प्रीन जी, क्या बात है? वैसे एक बात थी तुमसे कहनी थी। क्या? याद है वो सच जो मैं पहले सबको बताने वाला था, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी को नहीं बताऊं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे भी वीरेन जी, माया इतनी भी बुरी नहीं है, उसे सेकंड चांस मिलना जरूरी है। अगर इस वक्त आपने माया के खिलाफ कुछ भी बोला होता तो माया और विराट उनका रिश्ता जुड़ने से पहले टूट जाता। कमाल है यार, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं माया की बात कर रहा हूँ? मैंने तो माया का कहीं जिक्र भी नहीं किया। वीरेन जी, हम लड़कियों में एक सेवन सेंस होती
जिससे हम लड़कों का चेहरा पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है हम लड़कों में एक एथ सेंस होते हैं, देखते हैं कि वो तुम लड़कियों में होती है कि नहीं। बाय द वे, तुम कल रात किसके साथ बात कर रहे थे इतनी देर तक? कोई नई गर्लफ्रेंड बना ले क्या? नो माया, मैं मानवी से बात कर रहा था। मानवी, तुम इतनी रात गए, इतनी देर तक मानवी के साथ बात कर रहे थे। और तुम्हें पता है, जब मैं आप मानवी बात करते हैं ना, टाइम का पता नहीं चलता। या आई सॉ योर मिस कॉल्स। तो फिर कॉल बैक क्यों नहीं किया? काफी लेट हो गया था। तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। सुबह कर सकते थे। सुबह कर सकता था, बट इनों में इतना बिजी था। और वैसे भी माया, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ, I'm sorry. Please, sorry. It's okay. That's good girl. You know what, Virat? Yep. मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे दादाजी पता नहीं आज क्या फरमान सुनाएंगे। I hope he likes me. मैं अच्छी तो दिख रही हूँ? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा की तरह। Okay? Thank you so much. तुमसे कॉम्प्लीमेंट सुनना ना मुझे बहुत अच्छा लगता। दादाजी को जरूर पसंद आओगी। I know that. सुधरोगी नहीं ना तुम? भूल गए क्या कहा था मैंने? माया के साथ प्यार से पेश आना। वो नर्वस है, उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। 120 के स्पीड पे उसका दिल धड़क रहा है, उसको कंफर्टेबल करो। मैं समझ रहा तुम क्या कह रही हो। गुड, मुझे अटेंटिव बच्चे बहुत पसंद है। वैसे भी अगर तुम कुछ कहो और मैं कहीं और ध्यान लगाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जब तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। That's very sweet of you. वैसे तुमने हमारे हनीमून के बारे में कुछ सोचा है विराट? मैं सोच रही हूँ कि हम अपने हनीमून के लिए स्पेन जाएं। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा? वैसे हमारे घर के सारे डिसीजन दादाजी लेते हैं, और इस बार भी वही करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो सही फैसला करेंगे। वैसे सबसे ज्यादा विश्वास मैं तुम पे करता हूँ, तुम्हारी बातों पर। आई एम रियली थैंकफुल दैट तुम मेरी लाइफ में हो। You really mean a lot to me. जो भी हो, पर विराट माया के साथ काफी कंफर्टेबल फील करता है, तभी तो उससे इतनी कंफर्टेबली बात कर रहा है। आई थिंक दोनों एक अच्छा कपल बन सकते हैं। जीविका शायद ठीक ही कहती है, विराट और मानवी का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं।
मैं ये जबरदस्ती उनके बीच लव एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी गाइस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।